हेलो देयर YouTube, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक और गेम प्ले वीडियो में। वेलकम टू गेम कीपर्स। आज के इस वीडियो में अपन Far Cry 4 खेल रहे हैं और अभी मैं नूर की फोर्ट्रेस में हूँ, जिसको अपन ने अभी लास्ट वीडियो में ही कैप्चर किया था। तो आज का अपना सबसे पहला मिशन ये छोटा सा एक यहाँ पे मिशन था, जो कि है हॉस्टेज रेस्क्यू का मिशन। तो यहाँ पे ये जो आदमी है, इसने अपन को बोला है कि इसके दोस्तों को पेगन मिन के आदमी उठा के ले गए हैं। तो अभी अपन चल रहे हैं सबसे पहले उन्हीं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। तो यहाँ पे इस छोटे से गाँव में, इस छोटी सी जगह पे बहुत सारे हॉस्टेजेस, बहुत सारे तो क्या, चार हॉस्टेजेस कैप्चर्ड हैं इस वक्त, और उन चारों को अपन को छुड़ाना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला काम तो करता हूँ, अपनी हंटिंग सिरिंज लगा लेता हूँ, जिससे सारे एनिमीज हाईलाइट हो जाएंगे। और उसके बाद अपन साइलेंटली, अपन को मारना जरूरी है, स्टेल्थली मारना जरूरी है, क्योंकि अपन डिटेक्ट हो गए जैसे ही तो वो सोल्जर्स अपन को तो मारेंगे नहीं, हॉस्टेजेस को मारना स्टार्ट कर देंगे। और चारों हॉस्टेजेस को बचाना जरूरी है, वैसे तो दो को बचाना जरूरी है मिशन पार करने के लिए, लेकिन चारों को बचाने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, और मुझसे पर्सनली बर्दाश्त नहीं होता अगर एक भी हॉस्टेज मर जाए। तो मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ सबको बचाने की। तो यहाँ पे मैंने मोस्टली सबको तो मार ही दिया है, अब ये एक पट्टा और है और अब मैं डिटेक्ट हो गया हूँ। अब जो बचा है वो जा रहा है यहाँ से, आप देखो ये मारने के लिए आ रहा है। अच्छा नहीं, अभी मैं, इसने डिटेक्ट नहीं किया था, अब इसने किया था। ये देखो, ये जैसे ही आ गया था ना कि हॉस्टेज को मारने लग रहे थे ये लोग, तुरंत अपन ने उसको भी मार दिया। और चलो भाई, तो ये हॉस्टेजेस यहाँ पे फ्री हो गए। अब यहाँ से अपन चलते हैं अपने मेन मिशन की तरफ, जो कि आज अपन को करना है। तो US का CIA का एक ऑपरेटिव है जो यहाँ कीरत में है, उसका नाम है विलिस। तो अपन उसी के पास चल रहे हैं अपना नेक्स्ट मिशन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ विलिस के पास, जो कि कीरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस वक्त आप देख रहे हो। यहाँ पे ये प्लेन में बैठा हुआ है, W का साइन बना हुआ आ रहा है नीचे मैप पे। अब इससे मैं बात कैसे करूँगा मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लेन के उस तरफ से बात नहीं कर रहा, इस तरफ से बात नहीं कर रहा, क्या चाहता भाई? ओ चाचा जी, दरवाजा खोलो। अच्छा चलो, खोल दिया दरवाजा, देखे क्या कहता है। All this, it's all fucking useless. What, you forget you're an American? Americans not. Where's the original journal? I told you, the more work you do for me, the more little black bars get put out to pasture. Okay. Come on. Oh, phenk diya bahar. Get in. I'll give you a teaser. Consider it a down payment. Okay. All right. Let's hear it. When I first recruited your old man, it was over a bottle of scotch in a seedy dive down in Tirtha. He was still working for pagan men then. His eyes were still moist and sparkling. Men iced the air to the karate throne. The feces hit the fan, my friend. Pardon my French. What? No. I can't Don't hear worry, you anymore. It'll be in the document I give you when you finish this job. तो यहाँ पे ये जो विलेस है, इसने इसको वादा कर रखा है कि मैं तेरे को तेरे माँ बाप के बारे में सब कुछ बताऊंगा। She's Pagan Min's second in command. Came in with him from Hong Kong. Triad connections up the Yin Yang. You know what that is, don't you? Yin Yang? Sure you do. So Yuma is key. So what are we doing here? Going after one of Yuma's sights and the man running it. Take him out, we'll be able to get Yuma to sing us a tune. Oi, phenk diya. तो यूमा पेगन मिन की सेकंड इन कमांड है, जैसा अभी आप लोगों ने सुना है वो उसकी एक कमांडर है। और अब अपन को यूमा को मारना है। अपन नूर को मार चुके हैं, अपन पॉल को मार चुके हैं, उसके दो कमांडर्स को अपन ऑलरेडी मार चुके हैं। तो यहाँ पे अब अपन को यूमा की, मतलब ये एक साइट है, यहाँ पे कुछ डिगिंग वगैरह चल रही है, उसने कंट्रोल करी हुई है ये लोकेशन। तो यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स होंगे, उनको अपन को मारना है। यहाँ पे जो मेन आदमी है उसको अपन को मेन तो मारना है, तो इसने अपन को बोला है इसको मार। तो जैसे जैसे अपन यूमा के आदमियों को मारते जाएंगे, तो अपन यूमा के और करीब पहुंचते जाएंगे, और फिर अल्टीमेटली अपन यूमा को मारेंगे। तो अभी यही है अपना नेक्स्ट मिशन। तो हाँ, विलिस के बारे में मैं आपको बता रहा था। विलिस एक CIA ऑपरेटिव है, अमेरिकन है, और इसी की तरह जैसे ये भी अमेरिकन है, अजय आप लोगों को पता ही है। तो विलिस ने इसको बोला है कि भाई मैं तेरे को तेरे माँ बाप के बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। उसने इसको एक फाइल भी दी थी, जो पीछे के एक वीडियो में थी, आपने देखी थी। तो लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ब्लैक्ड आउट थी, मतलब उसमें फाइल में कोई रियल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जितने इंपॉर्टेंट बिट्स थे उन पे मार्कर लगा हुआ था ब्लैक, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने इसको बोला है कि तू मेरे लिए काम करता जा, मैं तेरे को बताता जाऊंगा। तो अभी उसने बताया है कि तेरी माँ जब मरी थी, तो मेरे को मोटा मोटा ये पता है कि सारे जितने भी मतलब क्लूज मिले थे अपन को, वो सारे ही यूमा की तरफ पॉइंट करते हैं। तो अभी अपन को यूमा मेन अपने लिए टारगेट हो गई है। वो कह रहा है मारता जा, तेरे को अपने माँ बाप के बारे में पता लगता जाएगा, और मैं भी तेरे को बताता जाऊंगा। तो अब यहाँ पे अपन मारना तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया। ये हेलीकॉप्टर को एक मिनट मारूँ यार, हेलीकॉप्टर से मेरे को डर लग रहा है। आ जा, इसके पायलट को निपटा दूँ ना मैं।
ओए 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 चल और क्या हेड दिया यार गजब ओ शानदार मैं तो खुद ही हैरान हो गया इतना बढ़िया हेड मार के मजा आ गया यार क्या शानदार हेड था यार पायलट का तो पूरा हेलीकॉप्टर ही डाउन हो गया ना एक मजा आ गया यार बहुत बढ़िया था चलो अब मैं डिटेक्ट हो ही गया हूँ तो अब मैंने अपनी असॉल्ट राइफल निकाल ली है जिसमें कोई साइलेंसर नहीं है और ये श्रेडर नाम है इस बंदूक का इतनी गजब की है श्रेड कर देती है सबको बिल्कुल उनका मिंस मीट बना देती है स्नाइपर है साला यहाँ पे ओके अपन जैसे जैसे यहाँ पे जो अपन को कमांडर टाइप के लग रहे हैं ना जो कमांडर पोस्ट के हैं तो उनको अपन ने एक को मार दिया अभी तो वो कह रहा है कि तू मेरे को फोटो भेज मैं बताता हूँ वो सही है कि नहीं है तो अपन को अब इसकी फोटो लेके भेजनी है तो एक मिनट फटाफट से इसकी फोटो ले लेते हैं और भेजते हैं अभी यहाँ पे कोई और एनिमी तो नहीं है ना नहीं कोई और एनिमी नहीं है इसकी फोटो लेके भेज देता हूँ पहले फटाफट चल भाई Just clear out every guy in the area who looks like he could be in charge of anything more important than cleaning bathrooms and washing dishes. Nothing's more American than killing them all and letting God sort them out. Kitty Sailine boli hai, nothing more American than killing them all and let God sort them out. Matlab shandar yaar, bahut hi badhiya. Khair, तो यहाँ पे अब वो ये कह रहा है कि अभी जिसको मारा है वो तो मेन वो आदमी नहीं है जिसको मारने के लिए मैंने तेरे को भेजा है तो तू जा जितने हैं सबको मार दे और कोई टेंशन नहीं है सबको मार के फिर मेरे को बताना तो चलते हैं अब अपन को सबको मार रहा है जितने भी आदमी है यहाँ पे ये बढ़िया है इसमें मेरे को भी थोड़ा सा आसानी हो रही है ढूंढ के किसी एक को मारने से अच्छा ना सबको मारो चलो भैया मैंने साइलेंसर वाली गन निकाल रखी है इससे मैं इनको निपटाना ओह फक मैं लगभग डिटेक्ट हो ही गया यार उनको पता तो लग ही गया एक उनका सोल्जर मर गया ना तो उनको पता तो लग ही गया है ये अब आ रहे हैं मैं साइलेंसर वाली से ही मारूंगा इनको अभी भी चल बेटे एक और है ये रहा चलो ये भी निपट गया अब चलते हैं आगे यहाँ से अब तो मैं डिटेक्ट हो ही चुका हूँ मैंने श्रेडर निकाल लिए और ये बहुत अच्छा मारती है ओ क्या हो गया यार बिना एम किए नहीं मार पा रहा मैं इससे यार इतनी दूर से ना बिना दिखे मज़ा नहीं आ रहा था ऐसे ठीक है स्कोप से मारने में वैसे भी मज़ा ज़्यादा आता है हाँ ये पास हो तब बिना स्कोप के ठीक है चलो गन बहुत शानदार है यार ये मेरे को इतना मज़ा आता है इस गन से खेलने में खैर अभी जो मेरे पास गन्स हैं ये सारी मेरी फेवरेट गन्स हैं मैंने ये सारी की सारी इकट्ठी करी हैं बीच में जब मैं वीडियो नहीं डाल रहा था तब मैंने ये सारी इकट्ठी करी हैं इसीलिए परचेज कर लिए हैं सारे इनके अटैचमेंट्स परचेज कर लिए हैं क्योंकि फिर मैं अब इसको फार क्राई 4 को फटाफट ख़त्म करना चाहता हूँ और स्टोरी फटाफट एंड करना चाहता हूँ तो मैंने साइड मिशंस पहले कर लिए हैं और अब आप लोगों को मैं मेन मिशंस जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं वो दिखाऊंगा सिर्फ तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा और यहाँ पे इसने अभी फ्लेयर फायर कर दिया है जिससे अब और भी यहाँ पे रीइंफोर्समेंट्स आ जाएंगे उनको पता लग गया कि यहाँ पे कोई आ गया है जो अपन को मार रहा है सोल्जर्स को वैसे तो मुझे ये नहीं पता कि ये सोल्जर जब फ्लेयर फायर करते हैं तो इनका ये सिग्नल होता है कि ओए 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 अरे तू बड़ा सही यार स्लाइड मार के आया ये तो गजब का ही आया था ना स्लाइड मार के यार एक तो ये स्नो में क्या ये सूरज इतना चमक रही है स्नो कि एकदम से जब अंदर से बाहर निकलो ना दिखता ही कुछ नहीं है दिखना बंद हो जाता है ओए मर गया पायलट मर गया शानदार ओ बूम शानदार यार ये मज़ा आता है यार हेलीकॉप्टर को उड़ाने में बड़ा ही मज़ा आता है मतलब राइट वे उसको हवा में ब्लास्ट करने में नहीं पायलट को मारने में तो वो क्रैश होता है बूम उसमें मज़ा आता है तो यहाँ पे अब मुझे लगता है सारे सोल्जर्स मर चुके हैं और अब ये येलो साइन बना हुआ आ रहा है तो मुझे लगता है ये येलो साइन पे जाके क्या करना है जाऊँगा कहाँ से मैं अरे यार रास्ता कहाँ से है एक तो ऐसा भूल भुलैया है ताली कुछ समझ ही नहीं आ रहा ओए उड़ गया अरे मेरे को उड़ना नहीं था यार मैं कूद रहा था ऊपर से नीचे उड़ ही गया एक तो इसका विंग सूट है ना बहुत जल्दी मैं अगर शिफ्ट दबा के कूद जाता हूँ तो उड़ ही जाता है अरे भाई मुझे मिल गया मस्त चलो वन कैन नेवर हैव इनफ एमो मेरे को हमेशा एमो की भूख लगी रहती है इसको क्या करना है मेरे को इसको फोटो भेजनी है ना चलो फोटो भेज देते हैं इसकी फटाफट मैं यहाँ से लेके भेज देता हूँ शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही इसकी उसको कैसे पता लगेगा सीधा हो जा सीधा हो जा सीधा कैसे करूँ इसको ओए ओए मेरी बंदूक चली गई अच्छा इसकी फोटो नहीं भेजनी थी इस पर तो अपन को एक की मिली है उसकी से अब अपन आगे कहीं जा सकते हैं ओके ठीक है अरे वाह और एमो मिल गया चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं अरे वाह मेरे को वो भी मिल गया क्या बोलते हैं उसको यार आर्मर भी मिल गया मेरे को केवलार मिल गया केवलार बोलना चाह रहा था मैं और मेरे को पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा था
तो केवलर भी मिल गया मुझे, एमओ भी मिल गया है, बहुत कुछ है मेरे पास। अरे वाह, मैं अंडरग्राउंड जा रहा हूँ, मस्त शांति हो गई अचानक। चलो 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 आओ। अरे यार मैं साइलेंसर वाली गन निकाल लेता हूँ एक तो। सबसे पहले ये श्रेडर चलाऊंगा ना, यहाँ पे तुरंत डिटेक्ट हो जाऊंगा मैं, पूरी केव में आराम से पता लग जाएगा। ओए क्या कह रहा है? I'm making myself scarce. What? Wait, how am I supposed to get out of here? Pucker up, Buttercup. I'll be back when you need a lift. अच्छा, तो वो विलिस को पकड़ने आ गए हैं वो लोग, मतलब उनको पता लग गया है, तो अब वो वहां से भाग रहा है, और जब अपन यहाँ पे सबको मार के उसको बोलेंगे तो वो वापस आ जाएगा अपन को लेने के लिए। चलो ये ठीक है, साइलेंसर वाली गन निकाल लेता हूँ, इससे नहीं मार रहा मैं अभी साइलेंसर वाली गन से। पहले इसको मारते हैं, वो हैवी वाले को तो मैं इससे मार नहीं पाऊंगा तुरंत, तो अभी तक तो मैं डिटेक्ट हुआ नहीं हूँ, और अभी तक भी मैं डिटेक्ट नहीं हुआ हूँ, और अब मैं मुझे लग रहा है डिटेक्ट हो गया हूँ। चलो भाई श्रेडर निकाल लेते हैं और श्रेड करना स्टार्ट करते हैं सबको। चलो सालो तुम्हारी तो बैस की टांग, ड्रॉप डेड, तुम्हारे काका जी भी ड्रॉप डेड नहीं कर सकते मेरे को। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे पास जितना दम है आ जाओ। अच्छा ये साला यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा था यार, एकदम लाइट के सामने था, नजर ही नहीं आ रहा था साला। यहाँ पे एक और है, कहाँ है ये रहा। चल तेरी तो, फ्लेम थ्रोअर, फ्लेम थ्रोअर वाले भाऊ थे ये, भैंस की टांग इसकी। चलो सारे निपट गए मुझे लग रहा है, अब अपन को कहाँ जाना है, इधर जाना है आगे। केव सिस्टम बड़ा ही इंट्रिकेट है, कितना खूबसूरत है ना, बहुत ही अच्छा लगता है यार। इस गेम के ग्राफिक्स अच्छे आए थे काफ़ी। चलो आगे चलते हैं, अब अपन यहाँ से कहाँ जाना है अपन को, क्या केव में नचाता रहेगा क्या यार चारों तरफ। फाइनल किल यूमर्स लिटरनेंट, चलो भाई। अच्छा अभी तो, अरे यार अभी तो और बहुत सारे हैं यार मारने के लिए। चलो फिर मैं एक और यहाँ पे, अब हंटिंग सिरेंज अभी फिलहाल तो चल रहा है मेरा, और मैं यहाँ पे डिटेक्ट भी हो ही गया हूँ, अब बाढ़ में गया मैं, यहाँ पे साइलेंसर के मूड में नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अब मारना चालू करता हूँ बस सबको। चलो तुम्हारी तो, ओए मर गया मर गया मर गया, बच गया। तुम्हारी तो भैंस की टांग कहाँ पे है साले, एक तो सफेद कपड़े पहन रखे हैं, सफेद सफेद बर्फ में डाले, दिखाई भी नहीं दे रहे ढंग से। एक नीचे है ये रहा, तो तेरी तो। चलो यार उधर से मेरे को ना कोई स्नाइपर मार रहा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, इतनी जोर जोर से गोलियां पड़ रही हैं। स्नाइपर देखता हूँ, यहाँ पे है, यहाँ पे है ये रहा। चल तेरी तो, ओ बच गया, चल निपट गया। और कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे है ना एक, ये रहा चल, ओए बच गया। साले ने एकदम उसी टाइम पे गोली मारी जब मैं गोली चला रहा था, तो मेरा हाथ हिल गया। चल बाप रे, चार गोलियां खा गया यार स्नाइपर से, बताओ लाना था मेरे ऊपर, इतना गंदा निशाना, हाथ भी हो गई है। इसको मारता हूँ साले को पहले, ये जो पास आ गए ना पास वालों को पहले मारना जरूरी है, क्योंकि इनकी सालों की गोलियां पड़ने लग जाएंगी फिर मेरे को। और फिर बच गया यार, जैसे मैंने गोली चलाई हिल गया वो, बहुत ही चलो क्या हो सकता अब। ओए ये देख कूद रहा ऊपर, ए चल ओए बच गया, ओए हवा में मारूंगा, चल ओए ओए अबे अबे क्या खा गया है, मर ही नहीं रहा, चल चल चलो ये भी निपट गया बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे सारे मर चुके हैं, मैं स्नाइपर को रिलोड कर लेता हूँ और आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या है देखें, कुछ भी नहीं है, बस एमओ ही है, तो एमओ तो बहुत है मेरे पास, फटाफट से ये एक यहाँ पे एमओ मिल गया। चलो रिचार्ज कर लेता हूँ अपना सारा एमओ और यहाँ से आगे चलते हैं। अब क्या है, ओए और है एनिमीज, और एनिमीज है, कहाँ पे है ये रहा, ओए कहाँ है, दिख ही नहीं रहा यार है कहाँ पे, इधर से आवाज आ रही है, बच गया। साइलेंट रॉकेट लॉन्चर ही दिया था, बच ही गया यार ओए स्नाइपर 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 कहाँ पे है साला, मेरे को उसकी लाइन ऑफ साइट में आना पड़ेगा। ओए पड़ी कहाँ से, इधर से पड़ी है यार, कहाँ पे है कहाँ पे है, अरे ये रहा, ओ मरते मरते बचाऊ यार, मतलब एक गोली की हवा भी लग जाती ना मेरे को, इसके बाद तो मैं मरी जाता 100% यार, क्या बचाऊ यार, गजब का इस बार तो साला दिखाई नहीं दे रहा था। चलो अब यहाँ से आगे जाना है, अब मुझे नहीं लगता और यहाँ पे एनिमीज है कोई भी, तो यहाँ से आगे चलते हैं। कोई चेस्ट वगैरह है इनको खोल लेता हूँ एक तो, और कोई सा एमओ मिल जाए तो ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारा कुछ अपन ने कर ही लिया है, इधर अंदर एक चेस्ट है मेरे ख्याल में। अरे यार पेंटिंग्स कितनी शानदार है दीवारों पे, बनाया बड़ा ही अच्छा है यार इन्होंने, इतना खूबसूरत बनाया है, मतलब हिमालयन रीजन बनाया है जैसे, बहुत ही खूबसूरत गेम बनाया है यार। मैं मतलब बहुत बार बोलता हूँ ये बात, लेकिन मैं सीरियसली थकता नहीं हूँ, मेरे मुंह से हर बार निकलती है ये बात अपने आप, इतना मुझे ये गेम खूबसूरत लगता है, बहुत ही शानदार गेम बनाया है। एक तो पता है वो वाली फील है ना यार, हिमालयाज वाली फील है वो उसका मजा ही अलग है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ हिमालयाज का, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो पूरा रीजन ही। ओए यहाँ पे और एनिमीज है, चलो शुक्र है, मैं इतनी देर से बोर होने लग गया था कि एनिमीज ही नहीं है अब आगे।
यहाँ पे काफी सारे एनिमीज हैं, मैं अभी तक डिटेक्ट तो हो गया हूँ मुझे लग रहा है। हाँ डिटेक्ट हो गया हूँ मैं। चलो फिर इसी से मारना स्टार्ट करता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। श्रेडर से ही मारेंगे अपन, बहुत बढ़िया मारती है ये, कोई दिक्कत ही नहीं है। रेंज बहुत अच्छी खासी है इसकी। ओए ये ऊपर से मार रहा है उससे मशीन गन से, तो रेंज इसकी बहुत अच्छी है जैसा आप देख ही रहे हो। और इसका स्कोप उतना अच्छा नहीं है, स्नाइपर वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी रेंज बहुत अच्छी है। चलो भाई सारे मर गए हैं और सबको अपन ने मार दिया, तो अब ये आ रहा है अपन को लेने के लिए। नाश्ता कर रहा था लग रहा। चलो भाई वो आ रहा है अपन को लेने, निकलते हैं यहाँ से। तो ये क्या हुआ, वो आ रहा था ना अपन को लेने, अच्छा वो अपन को छोड़ के चला गया। किल और बी किल नाम था इस मिशन का। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फार क्राई 4 की अगर आप फैन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।